एक और सेक्शन आया है, ये जनक सेक्शन है, लिखा बहुत सिंपल सेक्शन है, सेक्शन 69 है। हम देखा होगा कई बार जब लड़के लड़कियों के अफेयर होते थे और अफेयर टूट जाते थे तो पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर हो जाती थी रेप की, और अक्सर वो रेप का फॉर्मूला पुलिस वाले ठीक करते थे, माला भूलीची अवसर पा ली, मेरे को कुछ बेशुद्धि की दवाई दी, मैं बेहोश हो गई, मेरे को सुबह पता चला, बाद में पता चला मेरे से उसने अनैतिक संबंध जोड़ लिया था, फिजिकल रिलेशन, बाद में बोला मेरे को किस तरह को दिखा, इसके पास वीडियो और फोटो थे, मैंने मोबाइल में दिखाया और मेरे को ब्लैकमेल किया, इसलिए मैं दो तीन साल तक चुप रही, कंप्लेंट नहीं कर पाई। ऐसा फॉर्मूला स्टेटमेंट में एफआईआर के मैंने बहुत एफआईआर में देखा है। तो और उसमें अभी धीरे धीरे कोर्टों का जजमेंट भी आने लगा कि अगर कोई दो साल तीन साल तक रिश्ता रखा तो उसको रेप नहीं माना जाएगा, और उसको रिलेशनशिप और कोई शादी का वादा करके नहीं करता है तो उसके लिए रेप नहीं माना जाएगा, और कई बार ऐसे एंटीसी बेल और बेल और क्वेश्चन के भी जजमेंट आ गए। अब तो सारा खत्म हो गया। अब इसमें नए में बहुत भयानक प्रावधान है, इसमें ऐसा कि कोई लड़की बोली कि मेरे को शादी का झांसा दिया और मेरे को रिलेशनशिप रख के छोड़ दिया तो उसका अलग 69 सेक्शन उसमें 10 साल में, और एक चीज हमेशा घटना जहाँ 10 साल पनिशमेंट है, 10 से कम है तो अलग 90 दिन पीसी वाला मामला है, कभी इसमें 10 साल की पनिशमेंट, यहाँ तक तो ठीक है, ये चिंताजनक नहीं, चिंताजनक चीज है वो भी बताए होंगे। उसमें ऐसा है कि किसी भी लड़की ने बोल दिया कि मेरे सुपीरियर ने मेरे को बोला कि मैं तुझे प्रमोशन दे दूंगा या अच्छी पोस्टिंग करा दूंगा या फिर तो जज बना दूंगा या प्रोसिक्यूटर बनवा दूंगा, और उसने जाके एफआईआर कर दी, भाई ऐसा बोल के मेरे को नौकरी दे रखा, तो तुरंत वो एफआईआर हो जाएगा, उसमें एफआईआर न लेने का कोई कारण नहीं है, नहीं लिया तो पुलिस पे कार्रवाई है, और उसमें कोई भी पुलिस कॉन्स्टेबल लेनी अपने सुपीरियर के खिलाफ या कोई लड़की जूनियर किसी और किसी के खिलाफ कर देवे तो वो सारे केसेस 69 में बहुत आसानी से हो जाएंगे, और उसमें जो नॉर्मल रेप केसेस का एविडेंस है उसमें इतना नहीं लगेगा। एक चीज और है कि जिस केस में 7 साल से ज्यादा की पनिशमेंट है उसमें इनको कंपल्सरी फोरेंसिक वाली टीम जानी है और आना है, मतलब फोरेंसिक लेबोरेटरीज का कारोबार बहुत बढ़ जाएगा और नई नई लैब बहुत आने लगेगी, और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के आधार पर और फोरेंसिक के आधार पर ये लोग केस चलाना चाहते हैं और इसको हैंडल करने की कोशिश करना चाहते हैं। तो इसके लिए जितना भी ये केसेस चलेगा तो उसमें कंपल्सरी धीरे धीरे सारे वकीलों को ये जो पुराना 65 एविडेंस एक्ट था अभी 63 हो गया है वो पूरा का पूरा बयान करके उसमें ट्रेन हो जाना पड़ेगा, तो जाके आप पूरा ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पूरा पाएंगे, क्योंकि चार्जशीट अभी बहुत अलग तरीके की नए टाइप की आने वाली है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो रहेगा वो पेनड्राइव में रहेगा, वो पेनड्राइव चलाई जाएगी वो काफी हो जाएगा, पहले था कि आप कौन सा हार्ड डिस्क लाए, सोसाइटी का सर्वर किधर है, उसका DVR किधर है, उसका हार्ड डिस्क किधर है, कॉपी किसने बनाई, उसका सर्टिफिकेट अलग, एक्सपर्ट ने जो डाउनलोड करके कॉपी बनाई उसका अलग, यहाँ पे IO लेके आए उसका अलग, इतने हम लोग ग्रिल करते थे, मतलब डिफेंस वाले लोग जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, तो ये सारा चीज खत्म हो गया, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आ गया, सेक्शन 61 बोलता है जो एविडेंस पेनड्राइव से आया उसका स्टेटमेंट आएगा उसमें सर्टिफिकेट में, और वो सर्टिफिकेट अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट, जो फॉर्मेट इसमें दिया है सेक्शन में वो मैंने लास्ट पेज पर अटैच किया है, तो वो सेक्शन के हिसाब से आ जाएगा, तो वो मामला क्लोज हो जाएगा, एविडेंस मान लिया जाएगा, उसमें और कोई चीज की जरूरत नहीं है, और अलग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के अंदर गिनती में आएगा। फिर एम्प्लॉय और इंगेजिंग चाइल्ड टू कमिट एन ऑफेंस, तो ये जो है बच्चों को कोई अक्सर देखा है कभी कभी पिक पॉकेटिंग, चेन स्नैचिंग, मोबाइल चोरी के लिए यूज करते लोग, तो उसको जुवेनाइल बना के केस में डालते उसको ट्रायल किया जाता है, लेकिन अभी उसमें ये सीरियस चीज आ जाएगी। 103 अगले पेज पर 10 नंबर पेज पर पनिशमेंट फॉर मर्डर, मॉब लिंचिंग करके नया सेक्शन, सेक्शन तो नया नहीं है पुराना ही है, मॉब लिंचिंग मर्डर ही होता है, पहले मर्डर ही रजिस्टर करते थे, मर्डर के अंदर एक सब सेक्शन डाल दिया है जिसका नाम मॉब लिंचिंग डाल दिया, तो थोड़ा ब्रांड अच्छा लगता है, इंटरनेशनल सुनने को अच्छा लगता है कि मॉब लिंचिंग भी एक कलम बना गया है, पहले भी मॉब लिंचिंग जहाँ होता था ऑल ओवर इंडिया हर बार मर्डर ही केस रजिस्टर हुआ करता था। पार्ट टू इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, जो 106 का पार्ट टू है, वो ट्रक ड्राइवरों के बीच में प्रोटेस्ट और मोर्चे आ गए थे दिल्ली तक, तो वो लोग ने अमेज में रखा है, वो 106 का पार्ट टू है कि अगर कोई भी किसी को ठोक के भाग जाता है, जो पुणे में पोर्शे का हो गया, अभी वर्ली में हो गया, नेता के बेटे ने कर दिया था, डेथ कर दिया था किसी का, तो ये सेक्शन में 10 साल अभाव सजा थी, वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया इन्होंने, इस वजह से उसको
इम्प्लीमेंट करने की डेट बाकी रखी है, कानून बन गया है, इम्प्लीमेंट करना बाकी है उस सेक्शन। हाँ, लेकिन उसके जो वन सेक्शन में है कि नया चीज आ गया है कि डॉक्टर लोग जो है उनका नेग्लिजेंस जो था पहले है, पुलिस को लेने का जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की, पुलिस को वो एफआईआर लेने के पहले मेडिकल काउंसिल या मेडिकल एसोसिएशन के इंक्वायरी करके वो सेटमेंट करके यहाँ डॉक्टर की लापरवाही है, तो अभी पुलिस को पावर दे दिया 2 साल की पनिशमेंट है, एफआईआर करो, डॉक्टर के खिलाफ कोई दिक्कत नहीं हो, जांच होते हैं। ये नया सेक्शन है 111 इज ऑर्गेनाइज क्राइम। ये एमसीओसी का मिरर इमेज डालिए, पूरे कंडीशन जो एमसीओसी में वो डालिए, एमसीओसी में कहीं सैंक्शन लगते हैं, कहीं अप्रूवल लगते हैं, वो यहाँ पर पूरे खत्म हो गए। मतलब जो एमसीओसी की कार्रवाई होती है स्पेशलाइज डीसीपी लेवल तक जाके इंक्वायरी वगैरह बनते कन्फेशन बनते हैं वो सारे की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पुलिस स्टेशन का आईओ सीनियर पीआई के मार्गदर्शन में ये कर पाएगा। तो इसमें बहुत ही बुरी तरह से दुरुपयोग भी हो सकता है। अब इसी तरीके से पहले सेक्शन नहीं था, नया सेक्शन लाए 112, ये सारे नए सेक्शन से जो है पेज 12 पर होगी। अभी जैसे कुछ लोग होते हैं गाड़ी में आपको ठोक के बोलते हैं आपका सब 50 का नोट गिर गया है, आप झुकने गए दूसरी जगह से लैपटॉप ले लिया, ज्ञान रखिए 4-5 जन की, कोई पिक पॉकेटर्स लेते हैं आपको एक जगह से कोई पुश करेगा दूसरी जगह से कोई भूलेगा सब साइन किया हुआ है, पीछे से कोई पर्स मार लेता है, तो ऐसे ज्ञान रहते, तो उनके लिए पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम करके एक सेक्शन बना लिया है। तो ये जो सेक्शन है उसमें सिनेमा ब्लैक मार्केट इसको भी लिया है, एग्जामिनेशन पेपर बेचने वाले को भी ले लिया है, लेकिन इसमें है जो एग्जाम सेक्शन एग्जाम वालों को डाला है वो जरा मेरे को लगता है इसमें नहीं डालना चाहिए, उसके लिए और कड़क कानून बनाना चाहिए था, क्योंकि इसकी पनिशमेंट सिर्फ 7 साल तक रखी है। अभी जैसा देख रहे हैं नीट का मामला चल रहा है देश भर में, करीबन गिने चुने लोगों को एक ही एरिया के एक ही कोचिंग क्लास के लोगों को टॉपर हो गए, लगभग टॉप 100 के अंदर वही आ गए, तो ऐसा तो नीट में होना आसान नहीं होता है। इसी तरीके से टेरिस एक्ट, ये जो नेक्स्ट सेक्शन है ये इम्पोर्टेंट है, सबसे डेंजरस सेक्शन बीएनएस का तो छोड़ दीजिए, टीडी यूएपीए टाडा एमसीओसी पीएमएलए उन सबसे खतरनाक ये सेक्शन है। मैं आपको इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ के बताता हूँ। व्होएवर डज एनी एक्ट विद इंटेंट टू थ्रेटन और लाइकली टू थ्रेटन द यूनिटी इंटीग्रिटी सोवरेनिटी सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ये इकोनॉमिक सिक्योरिटी, इसमें हवाले ऑपरेटर भी आ जाएंगे, कोई नकली नोट वाला है, क्रिप्टो करेंसी वाला है, कोई गरीब तबके के पैसे जमा करके सारे के प्रोजेक्ट में पैसे जमा करके गायब हो जाते हैं तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी इम्बैलेंस हो जाती है, तो कई तरीके से डेफिनेशन इंटरप्रेट की जा सकती है। और स्ट्राइक टेरर और लाइकली टू स्ट्राइक टेरर इन द पीपल और एनी सेक्शन ऑफ पीपल इन इंडिया और इन एनी फॉरेन कंट्री, मतलब इंडिया के लोगों को भी फॉरेन में या फॉरेन के लोगों को भी कर दिया यहाँ से कुछ, तो उसको भी टेरिस एक्ट में डाल सकते हैं। फिर आगे है बाय यूजिंग, ये कैसा होना चाहिए, बाय यूजिंग बॉम्ब्स डायनामाइट और अदर एक्सप्लोसिव सब्सटेंस और इनफ्लेमेबल सब्सटेंस और फायरआर्म्स और लेथल वेपन्स और पॉइजनस और नॉक्सियस गैसेस और अदर केमिकल्स और बाय एनी अदर सब्सटेंस वेदर बायोलॉजिकल रेडियोएक्टिव न्यूक्लियर और अदरवाइज ऑफ हैज़र्डस नेचर और बाय एनी अदर मींस व्हाटएवर नेचर और बाय एनी अदर मींस, ये जो वर्ड है ना बाय एनी अदर मींस, इसका फैसला आईओ और सीनियर पे करेंगे और भी कौन से तरीके इसमें इंक्लूड होना चाहिए। और व्हाटएवर नेचर एनी अदर मींस ऑफ व्हाटएवर नेचर टू कॉज और लाइकली टू कॉज, क्या क्या होना चाहिए उससे, वन ऑफ दिस कंडीशन डेथ और इंजरी टू एनी पर्सन और पर्सन, डेथ करने को डेथ किया और इंजरी, हम इंजरी की डेफिनेशन ही नहीं है इसमें, इंजरी में जिसको लाफा मार के गाल भी सुन गया लेकिन टेररिज्म के एक्टिविटी में दिख गया तो गया टेररिज्म के दायरे में आ गया। लॉस और डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, ये अच्छी चीज आ गई है, क्योंकि कभी भी दंगे फसाद होते हैं तो अक्सर कोई पर्टिकुलर ग्रुप का दंगा प्रॉपर्टी जला देता है, कोई दूसरे ग्रुप का जला देता है, कोई किसी की दुकानें जलाता है, कोई किसी की जात के ऊपर से जला देता है दुकानें, कोई ये बंद कर दो, कोई उस एरिया को बंद कर दो होता है और प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है। अभी हम जो बोर्चे निकलते हैं उसमें दुकान लोग पे पत्थरबाजी होते रहती है, पुलिस पे पत्थरबाजी होती है, पुलिस की प्रॉपर्टी डैमेज होती है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी भी डैमेज हो जाती है, तो उसके लिए टेरिस एक्ट में आसानी से बिठाना आ जाएगा। तो अगर ऐसे 2-4 केस रजिस्टर हो गए बोर्चे वाले गए अंदर ये अच्छी जगह थोड़ा, लेकिन पुलिस के जेल सबका ओवरफ्लो होने वाले हैं लखनऊपुर के। आपको बता दिया जाए कि बॉम्बे में सबसे बड़ा जो जेल है अख्तर रोड जेल है,
उसकी ऑफिशियल सैंक्शन कैपेसिटी है 800 आरओपी की। आज भी किसी भी टाइम की स्ट्रेंथ देखेंगे आपको 3000 से कम नहीं होती है उसकी, लगभग 4000। और अभी ये सारे कानून अगर लागू होने लग गए और जब तक मामला हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाके बेल या उनकी जो कुछ रियायत न मिले तो इसकी भीड़ और थोड़ी बढ़ जाएगी, जेलों में काफी बढ़ेगी। शायद गवर्नमेंट को जमीन ढूंढकर नहीं जेल भी बनाने पड़ जाएंगे, क्योंकि मेरे को तो लगता नहीं इतना आसानी से बेल होगी ऐसे किसी।